दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसी आई फैलकॉन 43 इंच के एक 4K टीवी के बारे में। मैंने इसके पुराने मॉडल का भी रिव्यू करा था जो था K71 और ये है K72। तो ये एक नया वर्जन है। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये 43 इंच का एक 4K पैनल है जो कि HDR10 के साथ आता है, डॉल्बी विजन के साथ आता है, आपके डॉल्बी एटमॉस के साथ आता है और साथ साथ में इसमें MEMC भी देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। और साथ में यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट देखने को मिलता है। ये अभी लॉक स्क्रीन पर है तो मैं इसको हटाता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये जो यूज़र इंटरफेस देखने को मिलता है ये एंड्रॉयड का देखने को मिलता है जो कि आता है एंड्रॉयड 11 के साथ। और यहाँ पर आपको एक ब्लूटूथ रिमोट मिलता है जो कि पहले से थोड़ा बड़ा हो चुका है। अगर आपको पता हो पहले ये नंबर नहीं होते थे 1 2 3 4, लेकिन इस वाले वर्जन में ये है जो कि मुझे थोड़ा सही लगता है क्योंकि जब आपको OTP डालना होता है वो आप डायरेक्टली अपने रिमोट से ही डाल सकते हैं। और यहाँ पर आपको नीचे एक सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाती है जो कि थोड़ी अच्छी लगती है। अगर पूरा ब्लैक होता है तो वो थोड़ा इतना प्रीमियम नहीं लगता है, लेकिन जब एक सिल्वर फिनिश आ जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगने लगती है। तो आपको इस टीवी में थोड़ी प्रीमियम फील भी आएगी जब भी आप इसको देखेंगे। और यहाँ पर नीचे आपको आई फैलकॉन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और नीचे की साइड आपको यहाँ पर लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। और बात करूँ मैं इसके पोर्ट्स की तो यहाँ पर आपको थोड़े कम पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। आपको सिर्फ 2 HDMI के पोर्ट देखने को मिलते हैं जिसमें से सिर्फ एक ही ARC का सपोर्ट रखता है। और यहाँ पर आपको सिर्फ एक USB 3.0 का सपोर्ट मिलता है, मतलब दूसरा कोई USB का पोर्ट देखने को नहीं मिलता है। एक आपका ऑडियो आउट के लिए हेडफोन जैक के लिए मिल जाता है, एक आपका ऑप्टिकल ऑडियो आउट के लिए पोर्ट मिल जाता है, एक आपका एथरनेट का पोर्ट मिल जाता है और एक आपको AV के लिए, मतलब जो आपकी नॉर्मल ऑडियो वीडियो सेटअप बॉक्स वगैरह होते हैं उसके लिए आपको एक पोर्ट देखने को मिल जाता है। उसके अलावा आपको कोई और पोर्ट देखने को नहीं मिलता है, एक RF का भी पोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन आज के टाइम में वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कोई भी उसको यूज़ नहीं करता। तो यहाँ पर मैं आपको इसके रिमोट के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो रिमोट है वो पहले जैसा ही है, बस यहाँ पर आपको नेटफ्लिक्स के साथ Z5 का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है और TLC चैनल के साथ यहाँ पर आपको प्राइम वीडियो का भी बटन देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको डायरेक्टली नेटफ्लिक्स या Z5 या प्राइम वीडियो या TLC चैनल किसी पर भी जाना है तो आप डायरेक्टली रिमोट से जा सकते हैं। गूगल असिस्टेंट भी आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। अभी मैं आपको सब दिखाऊंगा, पहले यहाँ पर हम ऐप्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी ऐप्स देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको नेटफ्लिक्स देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको प्राइम वीडियो, हॉटस्टार भी देखने को मिलती है, यूट्यूब भी, सोनी लिव भी, आपका वूड, डिस्कवरी प्लस, Z5 कहाँ पर है, शायद मैंने Z5 अभी इंस्टॉल नहीं करी है या तो मैंने फेवरेट में इंस्टॉल कर रखी है और मैंने अभी लगाई नहीं है। जी अभी मैंने इंस्टॉल नहीं करी है। आप Z5 भी इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर से आप जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्ले स्टोर देखने को मिलता है, अदरवाइज आप APK भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर यह है Z5, तो Z5 का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको ऐप करनी हो, जैसे MX Player TV भी आपको करना हो, VLC प्लेयर, फ्लेक्स आपको डाउनलोड करना हो, यूट्यूब किड्स डाउनलोड करना हो, स्पॉटिफाई डाउनलोड करना हो, तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती हैं। आपको काफ़ी सारी ऐप्स देखने को मिलती हैं और यहाँ पर आपको कुछ गेम्स भी देखने को मिलते हैं जो कि आप कंट्रोलर को अटैच करके खेल सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कंट्रोलर है तो आप खेल सकते हैं, रेड बॉल जैसे गेम खेल सकते हैं या असफॉल्ट 8 जैसे गेम खेल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोई खास उम्मीद मत रखना क्योंकि 2 GB ही रैम है तो उस हिसाब से ही सोचना। इसके अंदर आपको 16 GB की मेमोरी भी देखने को मिलती है, तो आप काफ़ी सारी ऐप्स रख सकते हैं। और यहाँ पर आपको मैजिक कनेक्ट नाम की भी एक ऐप मिलती है। तो इससे क्या होता है कि आप अपने मोबाइल से ही अपने TV को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आपको मोबाइल ही आपका रिमोट बन जाएगा। तो अगर आपका रिमोट घूम जाता है तो आसानी से होती है। और यहाँ पर आप कास्ट भी कर सकते हैं कंटेंट को, मतलब ये सारी चीज़ें आपको बस मैजिक कनेक्ट की ऐप आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी होगी सिंपल, और आपको QR कोड स्कैन करना होगा और आपका काम हो जाएगा। TLC TVs में ये ऐप आती तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर मीडिया प्लेयर भी आपको देखने को मिल जाता है, तो अगर आप कोई पेन ड्राइव से कोई भी चीज़ चलाएंगे तो यहाँ पर आपका डिवाइस आ जाएगा, तो वहाँ पर आप कोई भी फोटोज़ वीडियोज़ आप प्ले कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और नीचे आपको पूरी कैटलॉग देखने को मिल जाती है हॉटस्टार की, प्राइम वीडियो की, या आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। पहले मैं आपको वीडियो चला के दिखा देता हूँ कि इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है, ये जो आई फैलकॉन का 43 इंच का 4K TV है। तो यहाँ पर हम YouTube चलाते हैं। यहाँ पर मैंने अभी म्यूट रख रखा है क्योंकि अगर मैं कोई YouTube पे वीडियो चलाऊँ तो कॉपीराइट का इशू नहीं आ जाए, तो अभी मैंने ये म्यूट ही कर रखा है। अभी देखते हैं, पहले मैं 4K वीडियो ही चलाता हूँ। यहाँ पर आपको जैसे मैंने ये वीडियो प्ले कर दी, दोस्तों यहाँ पर HDR10 लिखा हुआ आया है। जब भी कोई HDR की वीडियो चलती है तो HDR10 लिखा हुआ आ जाता है पहले ही। और यहाँ पर मैं आपको सेटिंग्स में जाके दिखा देता हूँ कि ये 4K में ही चल रही है कि नहीं। तो यहाँ पर हम जाते हैं सेटिंग्स में इसकी, और यहाँ पर ये 1060 FPS और HDR में चल रही है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, एक बार आप इसकी क्वालिटी देख लीजिए। कैमरे में इतनी कोई खास पता नहीं चलती है, मैं अगर अपने पास से बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा शार्प कलर है, काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलता है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो बहुत अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। अगर आप गेमिंग के लिए कोई TV देख रहे हैं तो ये TV काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है क्योंकि आपको इसके अंदर
4K का सपोर्ट मिलता है और HDR10 भी देखने को मिलता है, और साथ में डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और अभी मैं आपको थोड़ी साउंड भी टेस्ट करके बताऊंगा कि इसकी साउंड कैसी है। मुझे कोई खास साउंड इसकी पसंद नहीं आई है, आपको एक्सटर्नल स्पीकर लगाने पड़ेंगे, लेकिन क्वालिटी मुझे पैनल की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। मैं पहले भी आई फैलकॉन के 55 इंच और 43 इंच और 65 इंच की टीवी देख चुका हूँ, यूज़ कर चुका हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है इनकी पैनल की, प्राइस के हिसाब से अगर आप कंसिडर करेंगे बाकी कंपनियों के हिसाब से। तो यहाँ पर आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो हम ज़रा बैक आ जाते हैं और यहाँ पर मैं आपको ऑडियो क्वालिटी सुना देता हूँ एक बार। तो दोस्तों यहाँ पर एक साउंड टेस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। लाउड काफ़ी ज़्यादा है लेकिन बेस वगैरह मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्लैट साउंड है, लेकिन आप एक बार जज कर लीजिए सुन के। मुझे इसकी साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट लगी है, मतलब कोई कोई बेस वगैरह कुछ नहीं है, और टीवी के स्पीकर से मैं कोई खास ज़्यादा उम्मीद रखता नहीं हूँ कि बहुत ही अलग लेवल की कुछ होगी। अब मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप एक्सटर्नल स्पीकर लें या साउंड बार लें, वही लगाएं, उससे आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा होता है। टीवी की वॉल्यूम पर कभी भी भरोसा मत करना, वो अब 2 लाख का टीवी हो या 4 लाख का टीवी हो, क्योंकि साउंड इतनी अच्छी नहीं होती है टीवीज़ की। एक अलग से ही आप सिस्टम लीजिए तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पर आपको प्राइम वीडियो पे भी चला के दिखा देता हूँ कुछ कंटेंट। तो यहाँ पर शुरू हो जाए भाई प्राइम वीडियो। पता नहीं जब से ये प्राइम वीडियो की नई अपडेट आई है ना, सीरियसली पता नहीं प्राइम वीडियो वालों ने क्या करा है, मतलब अच्छे से कहीं भी नहीं चल रही मेरे किसी भी टीवी पर, यहाँ तक कि मेरे MI बॉक्स पर भी प्राइम वीडियो इतनी अच्छे से नहीं चल पा रही है। थोड़ा ऐसा लग रहा है थोड़ा लैग कर रही है हर जगह। मैं इस टीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइम वीडियो की जब से अपडेट आई है ना तो थोड़ा परेशान कर रही है। तो यहाँ पर हम थोड़ा कुछ चलाते हैं। यहाँ पर ये अभी हाल ही में आई है द रिंग्स ऑफ पावर, तो ये आपका डॉल्बी एटमॉस डॉल्बी विजन सब सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर इसी को चला के देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं UHD HDR डॉल्बी विजन डॉल्बी एटमॉस हर चीज़ सपोर्ट करती है, तो हम इसको चलाते हैं। और यहाँ पर जैसे चल रहा है तो डॉल्बी विजन डॉल्बी एटमॉस पहले ही लिखकर आ चुका है, क्योंकि दोनों चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। और मैंने यहाँ पर जो आवाज़ है वो मैंने म्यूट कर दी है क्योंकि कॉपीराइट का कोई इशू नहीं हो जाए। लेकिन यहाँ पर ये जो कंटेंट है वो बहुत ही आसानी से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि 4K चल रहा है तो भाई लैग कर रहा है टीवी, कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आराम से आप कोई भी चीज़ इन्जॉय कर सकते हैं। हाँ, ये जो प्राइम वीडियो की ऐप जो जब से अपडेट हुई है वो थोड़ी मुझे दिक्कत कर रही है। मैं यही बोलूँगा प्राइम वीडियो वालों से कि भाई जल्दी से इस ऐप को ठीक कर दो, लेकिन ऑल ओवर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। ये मैंने अभी तक देखी नहीं है, टाइम मिलेगा तो देखूंगा, अभी तक देखी नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिलती है प्राइम वीडियो में भी। ये HDR डॉल्बी विजन सब सपोर्ट करता है और नेटफ्लिक्स में भी सपोर्ट करता है, लेकिन नेटफ्लिक्स का नहीं दिखा सकते क्योंकि नेटफ्लिक्स महंगा है और मेरे पास नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये सारी चीज़ें नेटफ्लिक्स में भी ये सपोर्ट करेगा, पहले बता दूँ। और यहाँ पर आपको क्रोम कास्ट भी देखने को मिलता है, जो कि आप अपने मोबाइल से कास्ट कर सकते हैं। जैसे मैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार चलाता हूँ, तो यहाँ पर मेरा हॉटस्टार चल रहा है, तो यहाँ पर मैं सिंपली क्रोम कास्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं अपने टीवी पर कास्ट कर दूंगा। और ये सिंपली आप देख सकते हैं ये हॉटस्टार ओपन होगी और ये जम्मू कश्मीर वर्सेस आंध्रा का शायद मैच चल रहा है, मैंने यही प्ले करके देख लिया। तो यहाँ पर मैंने जो कास्ट करा है वो कास्ट हो गया बहुत आराम से हॉटस्टार से। और ऐसे ही आप यूट्यूब वगैरह किसी भी ऐप से आराम से कास्ट कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर क्रोम कास्ट भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं स्टॉप कास्टिंग करता हूँ और यहाँ पर अब मैं यहाँ पर आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलती है। तो सारी ऐप्स तो चलेंगी भाई, मैच बंद हो जाओ, सारी ऐप्स तो चलेंगी। यहाँ पर आपको एक सिस्टम ऑप्टिमाइज नाम की भी ऐप देखने को मिलती है, जिससे आप थोड़ी स्कैनिंग कर सकते हैं। मतलब ये एक आपका जो आपका फ़ोन मास्टर होता था ना, जैसे क्लीनर होते थे मोबाइल के एक टाइम पर, वैसे ही ये कुछ मुझे दिखता है। मैं कभी यूज़ नहीं करता हूँ, मेरे पास पहले भी आई फैलकॉन के टीवी रह चुके हैं, मैंने कभी यूज़ नहीं करा इसको। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि गूगल असिस्टेंट भी मिलता है, जो कि कुछ भी डिले नहीं करता है। तो यहाँ पर आपको गूगल असिस्टेंट का बटन दबाना है। हाउ इज़ द वेदर, Currently in Rampur, it's 25 degrees and clear. Today, it will be sunny with a forecast high of 28 and a low of 17. और ऐसे ही आप कोई भी सवाल पूछोगे बड़े आराम से दे देगी। Tell me a joke. This one is an acquired taste. Why don't some couples go to the gym? Because some relationships don't work out. अजीब था, चलो कोई नहीं। तो मतलब आप कुछ भी आप इसे सवाल पूछोगे आराम से दे देगी। और यहाँ पर मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ जो कि आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर ओके गूगल का डिटेक्शन भी आपको देखने को मिलता है, जिससे हमारा गूगल जाग जाता है, भाई सोजा सोजा। तो आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको LED इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, आप इसको
माइक की एलईडी ऑन और ऑफ कर सकते हैं। हाँ, इससे एक चीज़ याद आया, इसके पीछे एक माइक का बटन भी है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी प्राइवेसी से रिलेटेड, कि अगर आप चाहें तो माइक के बटन को आप ऑफ कर सकते हैं यहीं से। तो अगर आप माइक को यहाँ से बंद कर देंगे पीछे से, तो अब मैं ओके गूगल बोलूँगा ये नहीं उठेगा, ओके गूगल, हे गूगल कुछ भी बोलूँगा नहीं उठेगा। और यहाँ पर एक क्रॉस का साइन आ चुका है कि भाई माइक बंद है। तो पीछे एक छोटा सा बटन मिल जाता है, जो कि मुझे अच्छी चीज़ लगी कि भाई प्राइवेसी एक चीज़ होनी चाहिए, जिससे कोई भी आपकी बात नहीं सुन सके, अब वो गूगल हो या फेसबुक हो। लेकिन यहाँ पर आपको माइक की एलईडी देखने को मिलती है, जो कि मुझे नहीं मिल रही। यहाँ पर कहीं आपको एलईडीज देखने को मिलती हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप एलईडी की पावर भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा सारी एलईडीज। और यहाँ पर आपको नेटवर्क का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर मेरा वाईफाई कनेक्ट है, और यहाँ पर आप बाकी वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, प्रॉक्सी सेटिंग, आईपी सेटिंग, ये सारी चीज़ें, नेटवर्क स्टैंड बाय का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर डेटा सेवर और डेटा यूसेज एंड अलर्ट का भी ऑप्शन सारे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको अकाउंट एंड साइन इन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि मेरा अकाउंट है। यहाँ पर सारी आपको ऐप्स देखने को मिल जाती हैं, तो यहाँ पर आप ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से जाके। यहाँ पर आपको डिवाइस प्रेफरेंसेस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिससे आप इसकी अबाउट में जाके इसकी जितनी भी जानकारी है वो पा सकते हैं, जिसमें आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिलता है इसके अंदर। यहाँ पर आपको क्विक स्टार्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जिससे आप इनेबल कर देंगे तो जो आपका टीवी है वो स्टैंड बाय से थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, तो ये आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर इनपुट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें HDMI 1 भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप शो इनपुट क्या दिखना चाहिए वो, तो वो भी आप कर सकते हैं। HDMI 2 और AV, यही तीन पोर्ट आपको देखने को मिलते हैं। डेट एंड टाइम का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि लोग इंग्लिश ही रखेंगे। यहाँ पर कीबोर्ड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आप जीबोर्ड भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको जीबोर्ड की सेटिंग देखने को मिलती है, आप अपना कीबोर्ड को बदल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जीबोर्ड कर दिया, जो कि मैंने अभी तक नहीं बदला था, पता नहीं क्यों। यहाँ पर आपको स्टोरेज का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 11 GB का स्पेस बचता है। इसके अंदर 16 GB का स्पेस मिलता है, जो कि ऐप्स वैप सब इंस्टॉल करने के बाद मुझे 11 GB का पड़ा। यहाँ पर आपको होम स्क्रीन के भी कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, रिकॉर्डर, ऐप्स, गेम्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो अभी हम इसको हटाते हैं, भाई हट जा, ये सब आप देख सकते हैं। कस्टमाइज चैनल वगैरह, गूगल असिस्टेंट के भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। क्रोम कास्ट बिल्ट इन आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर भी इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग्स हैं। यहाँ पर मैंने इसको वाइल्ड कास्टिंग पे ही छोड़ा है, ऑलवेज पे मैंने नहीं छोड़ा है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, सेवर स्क्रीन के ऑप्शन, लोकेशन भी देखने को मिल जाती है, जो कि मैंने बस ऑन करी थी, लेकिन अब मैं इसको ऑफ कर दूंगा, क्योंकि जितना कम गूगल को बताओ उतना अच्छा। यूसेज एंड डायग्नोस्टिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इसको भी मैंने बंद कर रखा है, मैं कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं देना चाहता उनको। यहाँ पर आपको एसेसिबिलिटीज़ का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको हाई कंट्रास्ट टेक्स्ट वगैरह देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सेटिंग्स में देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर रिमोट एंड एक्सेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिससे आप ये ब्लूटूथ रिमोट लगा सकते हैं, या कोई भी TLC का या iFalcon का कोई भी रिमोट आप इससे लगा सकते हैं ब्लूटूथ के जरिए, और किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने अपने स्पीकर को कनेक्ट कर रखा था, तो आप कर सकते हैं इसको कनेक्ट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे ब्लूटूथ इससे बहुत आराम से कनेक्ट होंगे। यहाँ पर मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आपको इंटेलिजेंट सेटिंग देखने को मिलती है, तो इंटेलिजेंट पिक्चर देखने को मिलती है, अडेप्टिव कंटेंट, मतलब वो खुद ब खुद उस हिसाब से ढल जाए, तो इसको ऑन ही कर देते हैं, अच्छी चीज़ है होगी शायद, अच्छी चीज़ होगी, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर आपको अडेप्टिव कंटेंट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, साउंड की सेटिंग में भी, तो हम इसको भी ऑन कर देते हैं। भाई AI का मतलब एक ऑप्शन है, तो मैंने AI को ऑन कर दिया, शायद देखता हूँ कुछ यूज़ करके, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, वरना मैनुअल तो भाई जिंदाबाद। तो यहाँ पर आपको पिक्चर प्रीसेट देखने को मिल जाते हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब अगर जो आप पिक्चर्स को करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। डायनेमिक, आपका स्टैंडर्ड, स्मार्ट HDR वगैरह, सब ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। कलर सैचुरेशन, ब्राइटनेस वगैरह को आप एडजस्ट कर सकते हैं, स्क्रीन सेटिंग्स वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और ये आप अप्लाई, मतलब ये अच्छी चीज़ है कि आप करंट सोर्स को भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब सिर्फ एक सोर्स को, मतलब HDMI को करना हो तो HDMI का अलग, जैसे अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो सिर्फ आप करंट सोर्स पे कर दीजिए और आप उसको गेमिंग के हिसाब से मॉडिफाई कर दीजिए, मतलब मॉडिफाई कर रहा हूँ उसको, पर्सनल जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप ऑल सोर्स कर देंगे, तो कोई भी सेटिंग में छेड़छाड़ करेंगे तो वो सारी, मतलब HDMI, आपका होम, आपका USB, सब जगह वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, यहाँ पर आपको साउंड का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर आप डॉल्बी एटमॉस को ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं, तो इसको ऑन ही रहने देना। और यहाँ पर TV प्लेसमेंट आप स्टैंड और वॉल माउंट कर सकते हैं, मे बी शायद ऑडियो का फ़र्क पड़ता हो उससे, मैंने तो भाई स्टैंड पे ही कर रखा है, मैंने वॉल माउंट नहीं कर रखा है। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसके अंदर, कहाँ गया वो ऑप्शन, ऑडियो ओनली, नहीं भाई ऑडियो ओनली का भी ऑप्शन होता है, मतलब जिससे टीवी की स्क्रीन ऑफ हो जाती है और सिर्फ आपको ऑडियो सुनने को मिलेगी, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि आपका पैनल ऑफ रहेगा और आपकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और मैंने एक ऑप्शन देखा था जो कि मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ तक चला गया, हाँ यहाँ पर था, और यहाँ पर डायलॉग इन्हेंसर, और ये सीरियसली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि अभी हाल ही में मैं दृश्यम 2 का ट्रेलर देख रहा था और काफ़ी ज़्यादा उसमें म्यूज़िक है, बूम बाम काफ़ी ज़्यादा वो है,
काफ़ी हाईज हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने डायलॉग इन्हेंसर को मैंने हाई कर दिया, और इससे क्या हुआ कि जो डायलॉग है उसमें थोड़ी ट्रेबल ऐड हो गई, मतलब जो पूरी वीडियो है उसमें थोड़ी ट्रेबल ऐड हो गई, जिसकी वजह से जो डायलॉग्स हैं वो सुन पा रहा था मैं पीछे भूम बाम होने के बावजूद भी। तो ये मुझे फीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है कि इसके अंदर है। पुराने वाले में भी था लेकिन शायद मैंने वहाँ पर इसको डिस्कवर नहीं करा था, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको पकड़ लिया है, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। यहाँ पर आपको सिस्टम की सेटिंग्स देखने को मिलती है, जिसमें आप टीवी क्लॉक भी लगा सकते हैं, टीवी क्लॉक कह रहा हूँ सॉरी, टीवी लॉक भी लगा सकते हैं, जिससे अगर आपके बच्चे हैं और आपके बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनको आप टीवी से दूर रख सकते हैं। यहाँ पर आपको कंट्रोल अदर डिवाइस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि HDMI से कंट्रोल करना चाहते हैं कि नहीं, जो मैंने ARC वाला हिसाब बताया था आपको। ये EARC मोड आपको देखने को मिलता है, आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ कि ऑन ही रखें। वर्क विद एलेक्सा का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है कि आप एलेक्सा से बोल के आप इस टीवी को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, चीज़ें इसको मतलब इसको चला सकते हैं थोड़ा बहुत। मेन्यू साउंड को भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, मैं मुझे अच्छी नहीं लगती मेन्यू साउंड, तो मैं उसको ऑफ ही रखता हूँ। यहाँ पर आप स्पोर्ट मोड भी कर सकते हैं, और मैंने सीरियसली देखा है कि जब मैं स्पोर्ट मोड को ऑन करता हूँ और जब मैं कोई गेम देखता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पर आपको इनेबल गेम मास्टर भी देखने को मिलता है, मैंने इसके ऊपर खास तौर पर मैंने कोई खास गेम खेले नहीं है, लेकिन ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, और बाकी आपको वही सेटिंग देखने को मिलती है जो कि मैंने आपको बताई। तो ये सारी चीज़ें आपको इस टीवी के अंदर देखने को मिलती है। मुझे क्या अच्छा लगा, मतलब ये मैंने आपको सब चीज़ें बता दी, मुझे इसकी चीज़ें क्या अच्छी लगी और क्या बुरी लगी मैं आपको इस पूरी वीडियो में समअप कर देता हूँ। ये तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि कैसा टीवी है ये सारा का सारा, जिससे आपको पता चल जाए आप खरीदना चाहते हैं, तो आपको एक एक ऑप्शन में जाकर मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब मुझे सबसे पहली चीज़ क्या अच्छी लगी, इसकी पिक्चर क्वालिटी। प्राइस के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस रेंज में, मतलब इस प्राइस रेंज में भी नहीं, 20-21 हज़ार रुपये में भी इससे अच्छी क्वालिटी आपको नहीं मिलने वाली। मैंने बाकी कंपनीज के भी टीवी यूज़ कर रखे हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा टीवीज़ यूज़ कर चुका हूँ, लोगों को दिलवा चुका हूँ, तो उस वजह से मुझे पता है कि इस प्राइस रेंज में काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। और आई फैलकॉन पर मेरा एक थोड़ा भरोसा बनता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जब भी मैंने आई फैलकॉन का टीवी यूज़ करा है, मुझे इसकी पिक्चर क्वालिटी में कभी भी कोई शिकायत नहीं मिली है, क्योंकि एक तो प्राइस रेंज इसकी बहुत कम रहती है और इस सेल में 17 हज़ार रुपये में बहुत ही अच्छा है, तो उस हिसाब से भाई इसने दिल जीत लिया है। ऊपर से इसका जो डिज़ाइन है, मतलब इसका एक छोटा भाई भी आता है, U61 है शायद उसका मॉडल नंबर, तो वो पूरा ब्लैक है, तो वो इतना प्रीमियम नहीं लगता है, उससे ये 1 हज़ार रुपये सस्ता आता है, मतलब ये 1 हज़ार रुपये महंगा है, वो यू सीरीज़ वाला आपका 1 हज़ार रुपये सस्ता है। लेकिन उसके अंदर आपको यहाँ पर ये सिल्वर फिनिश नहीं मिलती, उसके अंदर ब्लैक फिनिश मिलती है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम मिलता है, तो ये काफ़ी चीज़ अच्छी मिल जाती है। साथ में यहाँ पर आपको स्टैंड देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप इसको खड़ा कर सकते हैं, और साथ में इसके अंदर आपको वॉल माउंट देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको वॉल माउंट करना है तो आपको अलग से थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो सर्विस वाला आएगा, वही वॉल माउंट करके जाएगा और वही आपसे थोड़े पैसे लेगा वॉल माउंट के। इसके साथ आपको कोई वॉल माउंट देखने को नहीं मिलता, आपको सिर्फ टीवी, ये स्टैंड, दो सेल, और आपको एक AV की ऑडियो केबिल मिलती है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलता। एक HDMI केबिल दे देते क्या चला जाता, लेकिन ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये मुझे पिक्चर क्वालिटी और इसका डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा, लेकिन बुरी चीज़ें भी मुझे लगी हैं। पहली चीज़, इसकी साउंड बहुत ही ज़्यादा फ्लैट है, मतलब मैं टीवी के ऑडियो से कोई उम्मीद नहीं रखता, लेकिन यार थोड़ी अच्छी कर दें तो कोई बुरी बात नहीं है। लाउड बहुत है लेकिन यार मज़ा नहीं है साउंड के अंदर। और बात करूँ पीछे पोर्ट्स में, तो यार दो HDMI पोर्ट्स, अगर कोई सेटअप बॉक्स या कोई एग्जाम्पल के तौर पे एक कॉन्सोल लगा दे, तो उसके पास कोई HDMI पोर्ट नहीं रहेगा, तो ये प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे अपनी बात करूँ, तो एक जगह मैंने सेटअप बॉक्स लगा दिया, एक जगह मैंने अपना गेमिंग कॉन्सोल लगा दिया, और तीसरे में मैं कभी अपना लैपटॉप लगाना चाहता हूँ कुछ कास्ट वगैरह करने के लिए, मैं नहीं लगा पाऊँगा, मुझे अपने कॉन्सोल की केबल निकाल के अपने लैपटॉप में लगानी पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा मुझे बमर टाइप लगता है कि यार वो केबल को बार बार लगाना और निकालना, तो ये चीज़ मुझे बुरी लगती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी चीज़ जो बुरी लगी इसके अंदर, यार सिर्फ एक USB पोर्ट है, तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपने फायर स्टिक लगा ली, वैसे आप क्यों लगाओगे कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि भाई एंड्रॉयड टीवी है तो सारी ऐप्स हैं, लेकिन आपके पास फायर टीवी स्टिक है 4K वाली, आप लगाना चाहते हो, भाई मेरे पास है मैं तो लगाऊंगा, मेरी मर्ज़ी। तो अगर उसके अंदर आप USB से पावर देंगे तो आपका USB पोर्ट गिर गया, उसके बाद आप कोई भी पेन ड्राइव, कोई भी हार्ड डिस्क वगैरह नहीं लगा सकते, तो ये दिक्कत थोड़ी सी हो जाती है जब एक USB पोर्ट होता है। तो अगर पोर्ट ज़्यादा दे देते हैं तो अच्छा रहता है, एथरनेट पोर्ट दिया है वो अच्छी चीज़ है इसके अंदर, लेकिन यार पोर्ट्स की मुझे कमी लगी है। और यहाँ पर मुझे ये जो रिमोट है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, मतलब पहला जो रिमोट था उसमें ये नंबर्स नहीं थे, मैं कहता हूँ ये नंबर्स दे दो, क्योंकि आपको साइन इन करना होता है तो OTP डालना होता है, तो आप डायरेक्टली इससे OTP डाल सकते हो, या आपको अपना नंबर डालना होता है, जैसे आप हॉटस्टार पर, जैसे मेरा अकाउंट है मैं नंबर से लॉग इन करता हूँ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से नंबर डाल सकता हूँ, तो मुझे अपने कीबोर्ड को या मोबाइल को खोलना नहीं पड़ता है उसको डालने के लिए। तो ये चीज़ मुझे, ये टीवी का रिमोट अच्छा लगा है, पहले काफ़ी छोटा था, अब थोड़ा बड़ा कर दिया है, और यहाँ पे Zee5 और प्राइम वीडियो का भी ऑप्शन कर दिया है, तो ये भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि
ये दोनों ही मेरे पास इस टाइम सब्सक्रिप्शन में। हॉटस्टार का और दे देते दे तो और अच्छा रहता कि हॉटस्टार का भी बटन दे देते दे, लेकिन इन्होंने TLC चैनल का दिया। तो दोस्तों ये इसका पूरा रिव्यू था, उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको ये टीवी लेना है तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल काफ़ी अच्छा टीवी है, प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर आप गेमिंग के लिए या अपना सिर्फ यूट्यूब वगैरह देखने के लिए, मतलब मूवीज़ वगैरह देखने के लिए टीवी लेना चाहते हैं और आप एक अच्छे बजट में ढूंढ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और भाई गूगल कुछ मत बोलना, चुपचाप से बंद हो जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, गूगल भी और आप भी, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस, लव एंड हैप्पीनेस।